हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं शाम के 5:30। हम लोगों ने चाय पी ली है शाम की। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपको शाम की हालत दिखाती हूँ मेरे रूम की। देखिए आप, ये देखिए कितना मैसी हो रहा है सारा रूम। शौर्य ने अभी जो पढ़ाई की थी, तो अपनी सारी नोटबुक बैग देखिए कहाँ कहाँ फैला रखा है। पूरा ये बेड फैला रखा है, और ये देखिए सारी अपनी जो नोटबुक है, क्वेश्चन वगैरह हैं, सारे फैला रखे हैं। तो पहले मैं अपनी जो रूम है, इसकी बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ, इसे क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे और भी क्लीनिंग करनी है, तो आज के ब्लॉग में मैं आपको इस रूम की क्लीनिंग और जो मुझे अदर क्लीनिंग करनी है वो शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करो कि नहीं तो मुझसे दोबारा मिलोगे कैसे। तो चलिए क्लीनिंग करते हुए ही मैं आपसे बातें करती हूँ, तो चलिए क्लीनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटबुक है मैं बैग में रख लेती हूँ शौर्य को। कितना मैसी कर देते हैं बच्चे। फ्रेंड्स, जो बेड था वो मैंने क्लीन कर दिया है, तो जल्दी से लगा लेती हूँ इसकी झाड़ू। फ्रेंड्स, रूम की क्लीनिंग हो चुकी है और अब करनी है मुझे अपने ये जो फ्रीज है उसकी डीप क्लीनिंग। सबसे पहले इसको डाल देती हूँ मैं, जो ये ऊपर सामान रखा है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाती हूँ कि अंदर से जो मेरा फ्रीज है वो कितना गंदा हो रहा है, और सफाई के बाद आप देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा जो अपन दूध या घी निकालते हैं तो वो जमा हुआ है, और इस पर भी आप देखिए काफ़ी जो डस्ट है वो है। तो पहले बटन बंद कर दिया है मैंने फ्रीज का, और बटन से जो सामान है मेरा, दही वगैरह जो सब होते हैं हमने, ये देखिए मतलब कि काफ़ी जो है फंगस लगी हुई है। और ये देखिए, जब हम बार बार कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं तो गंदगी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी जो लोग होते हैं वो बिल्कुल साफ फ्रिज को ही आपको साफ करके दिखाते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। देखिए, मैंने यहाँ पे ये है हॉट वाटर है, ज़्यादा हॉट भी नहीं, इतना हॉट ना कीजिएगा कि आपके हाथ जल जाए। और एक मैंने लिया है लेमन, तो लेमन को हम कट कर लेते हैं और इसको मैं इसमें निचोड़ लूंगी।
इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रीज में स्मेल हो जाती है ना दूध की, मलाई की, दही की या और कुछ की, वो इससे नहीं रहती है। केवल फलों की भी काफी स्मेल होती है, तो उससे क्या है कि जो रखी हुई चीज है वो अजीब सी रहती है। और साथ ही फ्रेंड्स हम ये यूज में लेंगे शैम्पू, ये बहुत अच्छा डिटर्जेंट का काम करता है। साथ ही इसकी जो खुशबू होती है उससे क्या है कि जो हमारी और इसमें स्मेल्स होती हैं उनको एक कवर करेगा ये और नींबू। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये मीठा सोडा होता है हमारा खाने वाला, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है एक कवर, कोई भी ले लीजिए आप, हैंकी हो, टावल हो, कोई भी कपड़ा हो। तो आपको मैं इसे साफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स कितना ब्लैक ब्लैक हो रहा है। जो होता है ना हमारे जो फ्रीज का रबर होता है उसमें काफी गहरी जड़ें जमा लेता है अपनी। देखिए फ्रेंड्स सारे रूम को फैला के खुद सो गया है। और देखिए अब जगह है ये, जब मैंने रूम क्लीन कर दिया फ्रीज को क्लीन कर रही हूँ। देख लीजिए आप इसे कितना शैतान है ना ये। देखिए टॉवल का दूसरा पीस मैंने ले लिया है, एकदम साफ है और इसे अब हम इसे पोंछ देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारा फ्रीज है वो एकदम क्लीन हो चुका है, देख लीजिए आप। और ये देखिए हो गया ना बिल्कुल क्लीन, इसमें जो स्पॉट वगैरह थे वो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल साफ हो गए हैं। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है नींबू की और शैम्पू की भीनी भीनी। तो जल्दी से ये सूखता है तब तक हम जो इसके अंदर के पार्ट्स थे उन्हें भी साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने बाल्टी ले ली है और ये देखिए इसमें मैंने एक शैम्पू डाल दिया है पानी में। और अब हम जो हमारे ये मिरर है, और पहले मिरर को साफ कर लेते हैं। ये तो साफ हो गया है फ्रेंड्स, इसे हम एक बार और जो पानी है उसे साफ कर लिए।
तो फ्रेंड्स ये साफ हो चुके हैं, इन्हें मैं धो के लेके आती हूँ दोबारा। और फ्रेंड्स ये जो मेरा है ना, इसका बहुत डर लगता है मुझे कि गिर ना जाए हाथ से। देखिए मेरा एकदम क्लीन हो गया है, हो गया है ना। तो फ्रेंड्स रूम की क्लीनिंग के बाद मैंने अपने रेफ्रिजरेटर की डीप क्लीनिंग आपको आज के ब्लॉग में दिखाई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं तो मुझसे दोबारा मिलोगे कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।